दो ऐसे ड्यूटी मैटर आते हैं इसमें। कितना प्यारा शेड आ रहा है भाई, कितना प्यारा शेड लग रहा है ना, सी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो है एक शॉपिंग हॉल और वो है फ्लिपकार्ट। प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अफोर्डेबल हैं, तो ऐसा ही वीडियो में बने रहिए और आप देखिएगा जरूर कि मैंने कौन से प्रोडक्ट परचेज किए हैं। और अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं तो उन सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हो। देन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। तो बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे ही थोड़े थोड़े ऐसे चुपचाप वीडियो बनाते हुए। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप वीडियो देखते हो तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, और दूसरा आप नहीं देखते हो और कमेंट भी नहीं करते हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देन एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़े और थोड़ा सा कलर में सैचुरेट हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करूंगी, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग फाउंडेशन है, देन वो है मार्स का कुशन फाउंडेशन। तो गाइस ये मैंने बाय किया है 300 रुपीज में। अभी इसका रिव्यू मुझे करना है तो रिव्यू देखने के लिए आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है, देन मैसेज भी जरूर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये बॉक्स है और गाइज इसका पैकिंग जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। देन इसका रिव्यू जब मैं करूंगी तो आप जरूर देखना, वैसे मैंने शॉर्ट रिव्यू अपने वीडियो पे डाला है तो आप जाके देख सकते हो। देन इसकी पैकेजिंग वाओ है, तो आप देख सकते हो इस तरह का इसका कुशन मिला है, देख सकते हो ये है इसकी पैकेजिंग। तो अंदर से देखने के लिए इसका रिव्यू जरूर देखना और इसकी क्या कवरेज है क्या है तो आपको मैं जरूर बताऊंगी आगे वीडियो में, बट अभी तो शॉपिंग हॉल है तो इसीलिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाऊंगी। तो फर्स्ट हो गया ये और ये मैंने बाय किया है 300 रुपीज में। देन एक मैंने बाय किया है ये इंक साइड का लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग और ये गाइस इतना अफोर्डेबल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अंडर 100 रुपीज के अंदर है, आई थिंक ये 99 रुपीज का है मेरे ख्याल से। तो इस पे 125 रुपए लिखा हुआ है बट मुझे ये 90 रुपए में मिला था। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था तो डिस्काउंट था इस पे थोड़ा सा, तो उसी में से देन आप देख सकते हो HD पाउडर है, लूज पाउडर है और इसमें बहुत अच्छी सी एक शाइन आती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रहा तो जाता नहीं है मेरे से आपको दिखाए बिना, बट ये खुलने में तो थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे खुलता है और मेरे को प्रोडक्ट खोलने की आदत है ऐसे, तो आप देख सकते हो। देन इसके साथ एक ये कुशन भी मिलेगा और यहाँ पर ये मैंने खोल के देख लिया क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया इसीलिए। तो आप देख सकते हो इसमें शाइन है हाइलाइटर के जैसी, तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे 90 रुपए में यार, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत प्यारा। तो आप देख सकते हो शाइनी ग्लोई मेकअप के लिए आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। देन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ, तो गाइस इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो मैंने ये बाय किया है 90 रुपए में, अंडर 100 रुपीज का ये प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा है, आपने देख ही लिया है तो आप ये जरूर बाय कीजिए। मैं आपको फुल्ली रेकमेंड करती हूँ ये वाला प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो HD फिनिश के साथ आता है, HD फिनिश देगा आपको एक ये। और एक मैंने लिया है ये कलर करेक्टर और ये भी इंक साइड का ही कलर करेक्टर है। यहाँ पर कभी कभी हमारे डार्क सर्कल जो हो जाते हैं, जो भी मेरे हैं अभी थोड़े बहुत, बट मेकअप के दौरान छूट जाते हैं इसलिए, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने बाय किया है 75 रुपीज का, गाइज इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, इतना क्रीमी टेक्सचर के साथ है, बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर कोई आप रीजनेबल कलर करेक्टर ढूंढ रहे हो तो वो भी ले सकते हो, या फिर इसमें अगर आपको एक शेड नहीं चाहिए, काफी सारे शेड चाहिए तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देन उसकी इमेज मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी, इनसाइड मैंशन कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएंगे 125 रुपीज के। वो अफोर्डेबल पड़ते हैं बट मैंने वो बाद में बाय करने के लिए सोचा तो मेरे को ये वाला दिखा तो मैंने ये वाला बाय कर लिया है फटाफट से। पता नहीं फोन में क्या हो रहा है, मेरे कभी कभी व्हाइट आ रहा है, कभी कभी येलो आ रहा है, कभी कभी व्हाइट आ रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने ले लिया है और ये मैं बहुत जल्दी अपने मेकअप में यूज करने वाली हूँ, बट अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है तो आप देख सकते हो। बट इसका बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है,
सी, बहुत क्रीमी टेक्सचर है। देन एक मैंने लिया है ये एले कलर का कलर करेक्टर, जो कि कभी कभी आप समझ लीजिए थोड़े कॉस्टली मेकअप में यूज करना पड़ जाता है, तो इसीलिए तो हम ये भी बाय कर सकते हैं। देन ये 450 रुपीज का आई थिंक इतने का ही था। देन ये वाला जो है ये अफोर्डेबल है, और इनको यूज करके मैं देखूंगी इसमें डिफरेंस, दिखाऊंगी आपको कि क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही जल्दी इसका भी वीडियो आ जाएगा आपके पास, तो आप देख सकते हो ये अफोर्डेबल है। देन ये वाला थोड़ा सा कॉस्टली है, तो कोई सा भी आप ले तो आपकी जो नीड हो आप वही प्रोडक्ट खरीदिए। मेरी ये दोनों की नीड थी तो मैंने दोनों बाई कर लिए हैं, इसलिए तो मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया है। ये मुझे मिला है आई थिंक 450 रुपीज का, आप देख सकते हो। देन एक मैंने लिया है ये इंक साइड का ही, मुझे चाहिए था, मेरा बहुत मन कर रहा था, तो ये मैंने लिया है इंक साइड का लिप ग्लॉस। देन इसका शेड है शेड नंबर 01, और ये मिला है मुझे, तो आप देख सकते हो इतना प्यारा प्रोडक्ट है, इतना प्यारा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लिपस्टिक का शाइन बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है एक लिपस्टिक में, सी बहुत ही अच्छा होता है। किसी को मैट पसंद है, मेरे को मैट भी पसंद है, बट ये भी मैं जब से यूज कर रही हूँ मैं इसे रोज लगाती हूँ, रोज घर में भी रोज लगाती हूँ। आप घर में भी इसे रोज लगा सकते हैं, आप इसमें कोई भी कलर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लिप ग्लॉस लिप क्या बोलते हैं उसे यार, रोज यूज करती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ मैं। तेरा भी इसे यूज कर सकते हो डेली में। तो ये वाला था मेरा एक प्रोडक्ट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन और भी प्रोडक्ट है वो आए नहीं है अभी, तो आएगा तो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। मैंने देखा मेरा माइक तो नहीं हट गया, कहीं वो आवाज ही नहीं आएगी आपको। तो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो मैंने खोल के देखा, बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई, तो मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया था, बट क्या करूं, अगर ले लिया है तो उसे अब रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें भी ऑप्शन नहीं आ रहा, और दूसरा के कोई कॉल भी नहीं लग रहा है, बट अब क्या करूं। मेरे हस्बैंड बोले कि आप रख लो कोई नहीं, चलो उसे यूज ही कर लेना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने इसका वीडियो बना ही दिया है, आपने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए चैनल पे देखिए, इसका वीडियो मैंने बनाया है। बट मैं आपको नहीं बोलूंगी इसे बाय करने के लिए, जो है सच्चाई वो है, और आप बाय बिल्कुल मत कीजिएगा, बट मैंने कर लिया तो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये डू केयर के ब्रश है, और ऐसी पैकेजिंग में आए हैं, पाउच पैकेजिंग, पाउच की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर आए थे, तो बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है, आप देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर की। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे 15 ब्रश मिले हैं, देन 5 मिले हैं मुझे फेस ब्रश, और 10 मिले हैं मुझे आई मेकअप ब्रश। तो अभी ने परचेज कर लिया है तो यूज करना बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैं बहुत ही जल्दी यूज करके भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हैं, बट ठीक है क्वालिटी। कभी कभी एक आध ब्रश का ये जो बाल होता है ये निकल जाता है, तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि 500 रुपीज के हैं, तो इसीलिए कभी 500 रुपीज वेस्ट ना हो जाए इसीलिए। बट कोई नहीं, मैंने परचेस कर लिया है तो इन्हें यूज करना बनता है, तो मैं इन्हें यूज करूंगी, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप देख सकते हो तो इसके और भी आते हैं, हो सका तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप परचेस कर लीजिएगा अच्छे वाले जो मैंने ऐड टू कार्ट करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है लॉरियल तो लॉरियल एक्सटेंसो हेयर कलर शैम्पू, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं बाय किया है, ये मैंने नायका से बाय किया है, क्योंकि एक 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 प्रोडक्ट के लिए अलग से क्या वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। ये मैंने बाय किया है नायका से, क्योंकि मैं नायका से ही मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ ये, क्योंकि लॉरियल का स्टोर पता नहीं इस टाइम ओपन था या नहीं था, मुझे पता नहीं। तो बट मैंने मेरा शैम्पू जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो मेरा ये शैम्पू जो है मैंने अपना स्ट्रेटनिंग जब से कराई थी, जब से ही यूज करी, वो मेरे बालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ और फ्रीजी ऐसे हो रहे थे, बट ये शैम्पू यूज करने से तो अमेजिंग हेयर हो गया मेरे, बहुत ही प्यारे, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हेयर हो गया। अगर आपको अच्छे हेयर चाहिए तो आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके ये शैम्पू आपका इजिली 4 या 5 मंथ इजीली आपका निकाल देगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है इसकी, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा वाला शैम्पू है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी इस शैम्पू के लिए, तो आप बाय कर सकते हो। तो गाइज यही थी मेरी एक छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की है, अभी और प्रोडक्ट आएंगे तो आपसे जरूर शेयर करूंगी, और वो देखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और शेयर, और साथ में एक छोटी सी कंटेंट वो नोटिफिकेशन बेल आती है तो उसे जरूर हिट कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पहले क्या यार, कभी भी मिले प्लीज एक कमेंट जरूर ना, प्लीज यार इतनी मेहनत कर दो प्लीज, जो भी है तो एक बार ही जरूर कमेंट करना, प्लीज दोबारा से बोल रही हूँ, और वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट ही कर देना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।